नमस्कार साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रुपमा खोपड़ी। सेलिब्रिटीज टैरो कार्ड रीडर के रूप में मुंबई की रूही जैन का नाम इन दिनों सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। सबसे सटीक भविष्यवाणी बताने वाली रूही जैन मुंबई की सेलिब्रिटीज के बीच काफी मशहूर है। रूही जैन कई सम्मान भी प्राप्त कर चुकी है। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। साधना न्यूज MPCG पर रविवार सुबह 10:30 बजे और सोमवार सुबह 10:30 बजे रूही जैन के साथ एक शो प्रसारित किया जाता है जिसका नाम है अ शो विद रूही जैन। इस टैरो शो में आप जानेंगे हर सप्ताह अपने भविष्य के साथ ही जानेंगे कि कौन सा दिन और कौन सा रंग शुभ होगा। इन सब जानकारियों के लिए देखते रहिए अ शो विद रूही जैन साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं टैरोट का रीडर रूही जैन और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है साधना चैनल पर मेरे शो टैरो कार्ड रीडिंग विद रूही जैन। तो आइए देखते हैं दर्शकों कि इस सप्ताह के जो आपके कार्ड्स हैं वो क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या कुछ आपके बारे में बोलते हैं। तो हमारी आज की पहली राशि जो होती है वो होती है मेष राशि। आइए देखते हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या बोलते हैं। मेष राशि वाले, ये जो आप लोगों का सप्ताह होने वाला है ये सप्ताह काफी चुनौतियों से भरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ आपके जो कार्यस्थल है, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वहां पर कुछ किसी बात को लेकर आपसी जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनमें डिस्प्यूट्स हो सकता है, उनमें किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। हो सकता है कि बात थोड़ी सी आगे भी बढ़ जाए, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं आपसी समझौते से, आपसी सुलह से आप लोग कार्य को करिएगा, आगे बढ़िएगा। तो क्योंकि अननेसेसरीली विवाद करने से कोई मतलब नहीं है, जितना आप उसको पीसफुली निपटाएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि एक लिहाज से देखा जाए तो ये जो सप्ताह है ये थोड़ा सा मुझे चुनौती पूर्ण आप लोगों के लिए दिख रहा है। घर में भी किसी बात को लेके आपके घर में पारिवारिक माहौल तनाव भरा रह सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स किसी बात को लेकर हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी को लेके, कोई पुरानी जमीन जायदाद को लेके आपके घर में उस बात को लेकर तनाव या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा रविवार का और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा रेड। तो दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। आइए देखते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ बोलते हैं। वृषभ राशि वाले, ये जो आप लोगों का सप्ताह रहने वाला है ये सप्ताह काफी ओके ओके रहेगा। ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं है, ज्यादा कुछ बुरा भी नहीं है। आपके परिवार में कोई, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं जिससे थोड़ी चहल पहल आपके घर में रह सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉसेस यहाँ पर मुझे बता रहा है और आप जो हस्बैंड वाइफ्स हैं उनमें आपस में किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है। तो थोड़ा सा उस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और फाइनेंशियली इश्यूज जो रहेंगे वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सप्ताह के अंत तक ये चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होते जाएंगी। जो लोग नया बिजनेस खोल रहे हैं, कोई नया शॉप ओपन कर रहे हैं, कोई नया वेंचर आप लोग प्लान कर रहने वाला है, कोई नई आप लोगों की आपस में डील हो सकती है, कोई नया ज्वाइंट वेंचर आप लोग साइन कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ आपसी आप लोगों का जो तालमेल या आप लोगों का एक जो फाउंडेशन रहेगा वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल जाने वाला है। तो उसके ऊपर आप जरूर एक्शन लीजिए, उसके ऊपर आप जरूर एक दूसरे से आपस में मिलके बात कर सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना यंग लोग, ये सप्ताह यंग लोगों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। और छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती है लेकिन आप उनको अवॉइड करेंगे तो उसके बाद में अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो आपके लिए काफी ये अचीविंग रहेगा, काफी आप लोगों को कहते हैं ना कि उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा गुरुवार और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा ऑरेंज। इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है सिंह राशि। आइए देखते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या बोलते हैं।
सिंह राशि वालों, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सप्ताह ऐसा लगेगा कि जो आपको कोई बेवकूफ बना रहा है या आपने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वो व्यक्ति ही आपको धोखा दे के चला गया। आपको कोई बिजनेस डील में नुकसान पहुंच सकता है। आपके अपने लोग जिनके ऊपर आप भरोसा करते थे वो आपको धोखा दे सकते हैं, डिच कर सकते हैं या बीच में आप लोगों को डंप भी कर सकते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा आप अपना इस बात का ख्याल रखिएगा। आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपने कभी उनकी सलाह नहीं मानी होगी तो आपको इस सप्ताह उस चीज का बहुत अफसोस होगा, रिग्रेशन होगा कि काश मैं अपने पापा की, काश मैं अपने दादा की या काश मैं अपने चाचा की बात मान लेता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा बड़ों की जो आपकी सलाह होती है ना उसको आपको कभी कभी कुछ वो बोलते हैं तो वो आप लोगों को मान लेना चाहिए। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जो कार्यस्थल होगा, वर्क प्लेस पे जो आपकी महिला कर्मचारी रहेंगे उनसे आपको काफी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। घर में भी आपकी जो माता पिता, माता बहनें हैं, आपकी वाइफ है, उनके साथ में आपका एक अच्छा बाउंडेशन रहेगा। कुल मिला के ये जो सप्ताह रहेगा ये सप्ताह आपको रियलाइजेशन करवाने के लिए आएगा कि क्या सही था और क्या गलत था, और आप खुद का वैल्यूएशन कर पाएंगे कि कितना आपने सही किया और कितना आपने गलत किया। कहते हैं ना कि कभी कभी खुद का जो मूल्यांकन होता है ना वो भी करना बहुत जरूरी रहता है ताकि आने वाला जो चुनौतियां रहती है, आने वाला हमारा समय रहता है ना तो उसपे हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शुक्रवार का, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा ग्रीन। दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है कन्या राशि। कन्या राशि, ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है, बहुत ही शानदार जाने वाला है। जो जो आपने चीजें सोची थी वो सारी आपकी पूरी होंगी। आपके जितने नए प्लान्स थे, कोई नई डील थी, आप कोई नया फॉरेन में आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे थे। फॉरेन का मतलब ये नहीं होता कई बार कि विदेश में, फॉरेन का मतलब ये भी होता है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं और अगर हम किसी दूसरे शहर में जाकर भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उस आपकी कुंडली में वो वाले योग भी यहाँ पर दिख रहे हैं। कहीं घूमने फिरने के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं, और आपको, आपने जितनी मेहनत करी थी ना आपको आपकी उस मेहनत का पूरा पूरा फायदा इस सप्ताह मिलने वाला है, और आप काफी खुश और काफी प्रसन्न रहेंगे। घर में भी कुछ आपके लाइफ में ऐसा, आपने पिछले समय में कुछ मेहनत की थी जो आपको उसके रिजल्ट्स इस सप्ताह मिलेंगे, जिससे परिवार के लोग भी आपके ऊपर काफी फक्र महसूस करेंगे, काफी प्राउड फील करेंगे। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा बुधवार का, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा सफेद। तो दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है तुला राशि। आइए देखते हैं तुला राशि वालों के कार्ड क्या कुछ लेकर आए हैं। तुला राशि वाले, ये जो सप्ताह रहेगा आपको ऐसा लगेगा कि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके मन के मुताबिक नहीं होगी। थोड़ा सा मन उदास रहेगा और फ्रस्ट्रेशन, आपको ऐसा लगेगा कि फ्रस्ट्रेशन जैसा मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा करते थे, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको उनसे डिच हुआ है या धोखा मिला है। आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो वो भी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि उनसे भी आपको धोखा मिला है, या आपके पीठ पीछे साजिश की जा रही है, या आपसे झूठ बोला जा रहा है। तो आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मेरे साथ में कुछ षड्यंत्र प्लान हो रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा आपके मन में ना एक कहते हैं कि खिन्नता रहेगी, या थोड़े से अपसेट रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा गुरुवार का, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा पीला। इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड क्या बोलते हैं। वृश्चिक राशि वाले, ये जो आप लोग, आपका जो सप्ताह रहेगा ये सप्ताह आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके सोचे हुए काम थे, जो आपकी चीजें थी, वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, लेकिन आपको वापस से ऐसा लगेगा कि चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हो पा रही, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ अड़ंगे आप लोगों के चलते ही आ रहे हैं, उस वजह से आप थोड़ा सा निराशा का अनुभव करेंगे। लेकिन सप्ताह के अंत तक, सप्ताह के आखिरी आते तक चीजें ऑटोमेटिकली आपके नजरिए से या आपके एफर्ट से वापस से पटरी पे आने लगेंगी, वापस से ठीक होने लगेंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़े से खुश भी रहेंगे, और आपकी जो थॉट प्रोसेस रहेगी वो भी काफी सकारात्मक हो जाएगी। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा रविवार का, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा रेड। दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है धनु राशि। आइए देखते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ बोलते हैं।
धनु राशि वाले, इस सप्ताह आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप लोगों को प्रॉब्लम से जो चल रही थी, काफी लंबे समय तक पैसा रुका हुआ था या पैसा नहीं मिल रहा था या पैसा कहीं अटक गया था, तो वो पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। घर परिवार में भी माहौल जो रहेगा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी किसी से पुरानी जो लड़ाई झगड़े थे, कुछ पुराने जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो आप लोगों के वापस से उभर के आ सकते हैं। वापस से आपको उन कहना चाहिए परेशानियों का या उन झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब फील करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप प्लीज गुस्सा करने से बचिए, क्रोध करने से बचिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा सोमवार और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा येलो। दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है मकर राशि। आइए देखते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या बोलते हैं। मकर राशि वाले, ये जो आप लोगों के लिए सप्ताह रहने वाला है, ये सप्ताह आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ जो आपने आपने जो कुछ सोचा हुआ था, वो सोचा हुआ पूरा नहीं हो पाएगा। आपकी बीमारी के कारण कुछ ऐसी बीमारी आपको आ सकती है, जो पुराने आपके डिजीज होंगे जिनको आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो पुरानी बीमारी आप लोगों के पास में वापस से आ सकती है। उसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना, पैसा आपका जो है वो बीमारी में काफी खर्चा हो जाएगा, तो उस चीज से आप थोड़े से चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के बीच में समय बिताइए, अपने परिवार जनों के साथ में रहिए, तो थोड़ा पॉजिटिव आप फील करेंगे। लेकिन सप्ताह के अंत तक सब कुछ ठीक होता हुआ नजर मुझे आ रहा है। आपका विल पावर जो रहेगा वो काफी स्ट्रांग कर लेंगे आप, काफी आपकी जो सोच रहेगी वो सकारात्मक हो जाएगी, जिससे चीजें आपको आपकी फेवर में आती हुई दिखाई देने लगेंगी। जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शुक्रवार और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा ब्लैक। दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है कुंभ राशि। आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या बोलते हैं। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह काफी अच्छा साबित होने वाला है। जितनी आपने मेहनत की थी, जितना आपने प्रयास किया था, और काफी समय से आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे थे, तो वो इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स होंगे वो आपको इस सप्ताह में मिल सकते हैं, और काफी अच्छे और काफी भारी भरकम आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जिससे आप काफी खुश रहेंगे और परिवार वाले भी आपके इस अचीवमेंट से काफी हैप्पी रहेंगे। आप उनको प्राउड फील करवा सकते हैं। तो ये उस लिहाज से ये जो सप्ताह रहेगा, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इमोशनली हर्ट फील करेंगे। हो सकता है शायद जो आपके चाहने वाले हैं, आपके जो कोई क्लोज या नियर या डियर वन है, उनके साथ में आपका भी आपका लड़ाई हो जाए, उनके साथ में आपके डिस्प्यूट्स हो जाएं, तो सप्ताह के अंत तक थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एकांत में समय बिताना है या अकेले में मैं थोड़े टाइम के लिए रहना चाहता हूँ, तो उस चीज को आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अपने परिवार के बीच में रहिए और खुश रहिए। आपका जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा सोमवार और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा आपका येलो। इसके बाद हमारी जो अंतिम राशि आती है वो आती है मीन राशि। आइए देखते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ लेकर आए हैं। मीन राशि वाले, ये आपके लिए जो सप्ताह रहेगा, ये सप्ताह थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि मिला जुला रहने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटली आप डिस्टर्ब फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मानसिक रूप से आपको अच्छा नहीं लग रहा है या मेंटली आप खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ, चाहे वो आपके वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, या आपके बिजनेस में हो, आपके परिवार में हो, आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है या आपके साथ गलत हो रहा है, तो वो चीज से आप थोड़ा सा आहत हो सकते हैं। तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगी कि ज्यादा आप सोचिए मत, ओवर थिंकिंग से बचिए और चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली होके देखिए और समय दीजिए। समय के साथ साथ सारी चीजें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। धन संबंधी मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। पैसा आप लोगों के पास में भरपूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर से या लोगों के कारण आप अपने आप को हर्ट और दुखी फील कर सकते हैं। जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा मंगलवार का और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा व्हाइट। जिस तरह से कुंडली में ग्रह का अपना स्थान है, नंबर्स का अपना स्थान है, उसी तरह से जेम स्टोन का भी अपना एक महत्व है। राशि रत्न किस तरह से पहने जाएं, ये क्या जीवन में इम्पैक्ट लेकर आते हैं, इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रूही जैन देने वाली हैं, जो टेरो कार्ड रीडर हैं सेलिब्रिटी। रूही जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार और अलग अलग जी। विषयों पर आप हमें जानकारी दे रही हैं। जी लेकिन ये जो जेम स्टोन है,
इसका जिंदगी में क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या महत्व है? देखिए पंकज जी, हमारे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जब वो कुंडली को लेके सजेशंस लेते हैं या न्यूमरोलॉजी को लेके सजेशंस लेते हैं या टैरो कार्ड से लेके हमसे कुछ गाइडेंस मांगते हैं, तो जो रत्न होते हैं वो रत्न बेसिकली हम अलग अलग तरीके के रत्न होते हैं, जैसे सूर्य के लिए अलग रत्न होता है, सूर्य के लिए माणिक होता है, चंद्रमा के लिए मोती होता है, बुध के लिए पन्ना होता है, आपका जो गुरु होता है उसके लिए पुखराज पहनाया जाता है। तो ये जो रत्न होते हैं, ये रत्न हर किसी की कुंडली में, कुंडली को देख के, उसके लगन को देख के, उसकी जो और भी ग्रहों के जो पहलू होते हैं, तो हम उस हिसाब से उनको सजेशंस देते हैं कि आपको ये रत्न पहनना है या आपको ये रत्न पहनना है। और उसके साथ साथ जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं कि मैडम इसका कितनी रत्ती पहने, कितने कैरेट पहने, तो उसका भी एक लॉजिक ये होता है कि आपकी आपके जो वेट होता है, आपकी जो बॉडी वेट होता है और आपका जो ग्रह है वो किस पोजिशन पे है, तो उस हिसाब से हम उनको कैरेट या रत्ती सजेस्ट करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर रत्न को वो धारण करते हैं। जो रत्न होते हैं वो बेसिकली उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे आप अगर ये माणिक की बात करें, जैसे मैंने ये माणिक पहना हुआ है तो ये लाल रंग का माणिक होता है। अब ये काम कैसे करता है, लोग आते तो हैं हमारे पास में, उनको ये भी लगता है, ये मिथ है कि हम रत्न पहन लिया तो बस अब हम रातों रात करोड़पति बन गए या हमारी समस्या का जो समाधान है वो रातों रात हो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी होती है वो सात तत्वों से, सात रंगों से मिलके बनी होती है, सेवन चक्रास हम जिसको बोलते हैं, हर चक्र का अपना एक कलर होता है, हर चक्र की हमारी बॉडी में एक पोजीशन होती है। तो जब हम पर्टिकुलर किसी रत्न को सजेस्ट करते हैं तो वो रत्न जब आप पहनते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो वाइब्स होती है, उसका जो कलर का जो एसेंस होता है, जब आप बाहर धूप में निकलते हैं और जब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आपकी बॉडी पे पड़ती हैं, पर्टिकुलर स्टोन पे पड़ती है, तो आपकी जो बॉडी होती है उस कलर को, एसेंस को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और आपकी बॉडी में वो जो कलर होता है ना, उसका जो डिसबैलेंसमेंट होता है, वो डिसबैलेंसमेंट ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग मोड पे आने लगता है। अच्छा, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो स्टोन्स होते हैं ना, वो हमारी जिंदगी में काम करते हैं। अब जैसे अगर किसी किसी बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, उसको थोड़ी थोड़ी बात पे एंजाइटी होती है, उसको थोड़ी थोड़ी बात पे चिंता होती है, आत्मविश्वास नहीं है, जीरो के बराबर है, तो हम अगर उसको, इसका मतलब ये कि उसका सन वीक है, उसका सूर्य स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो नौ ग्रहों का राजा होता है। तब हम अगर उसको इस कंडीशन में, उसकी कुंडली चेक करने के बाद में, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, नहीं तो आप लोग अपने मन से ही मत धारण कर लीजिएगा, और कभी भी कोई भी रत्न आप एक्सपर्ट ज्योतिष हो गए या एक्सपर्ट लोगों के अंडर गाइडेंस में ही आप लोग धारण करिए, अपने मन से मत पहनिएगा। तो अगर हम उसको माणिक पहनाते हैं तो माणिक का रंग होता है लाल, तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जब उस रंग की जो कमी होती है सात चक्रों में, वो पूर्ति होना चालू हो जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है, एंजाइटी चली जाती है, आप में आत्मविश्वास आ जाता है, पढ़ाई लिखाई में आप लोगों का जो मन लगने लगता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, आई कैन डू दिस, अब मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से रत्न जो होते हैं वो काम करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, लोग हमसे पूछते हैं पंकज जी कि जो स्टोन्स होते हैं कितने परसेंट काम करते हैं, तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने आपको स्टोन्स पहनने के लिए बोला और आप उसी पे डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कर्म का अपना एक महत्व, कर्म का, पुरुषार्थ का अपना एक अलग महत्व होता है, ये एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम होता है आपका। जी तो ये कर्म करने के लिए प्रेरित भी करता है आपको, इंस्पायर भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफकोर्स ये कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, सही डायरेक्शन में कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, क्या सही है क्या गलत है, कहीं ना कहीं हमको उसका आभास और उसका जो एक मार्गदर्शन मिलता है। तो रत्न हमारे लाइफ में 30-40% काम करते हैं, और फिर उसके बाद अगेन मैं बोलूंगी कि आप रत्न के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आपने किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाई और उसने आपको बोला कि आप ये फलाना रत्न पहन लीजिए, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने रत्न पहन लिए तो बस अब मेरी जिंदगी बन गई। बिल्कुल, आपको कर्म करना, आपको मेहनत करना उतना ही ज्यादा जरूरी है सक्सेस पाने के लिए। रत्नों के भरोसे मत बैठिए, सपोर्ट करते हैं रत्न, जो सपोर्ट है आपकी एनर्जी को रिवाइव करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन योगी जी, क्या ये भी सच है कि गलत कोई अगर आपने रत्न पहन लिया
उसका एक गलत इम्पैक्ट भी होता है। यदि आपने किसी जानकार से नहीं बातचीत की, अपने मन से ही आपने पहन लिया, या अधूरे ज्ञान से किसी ने आपको बता दिया, तो क्या उसका इम्पैक्ट गलत होता है? उसका इम्पैक्ट बिल्कुल आपने सही बोला पंकज जी। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आप जिस भी किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाते हैं, एक तो वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उनको हर चीज का सही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली दिखाने के बाद में लग्न के हिसाब से ही हम कई बार रत्न सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, जो आपका पूरा बर्थ चार्ट होता है, आपके पूरे बर्थ चार्ट को चेक करने के बाद, हम प्लैनेटरी पोजिशन को देखने के बाद, उसको भी हम बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। जो पर्टिकुलर बर्थ चार्ट हमारे पास में आते हैं, उसके बाद हम फिर सजेस्ट करते हैं आपको तब पहनना चाहिए। और अगर आपने किसी को दिखाया कुंडली और उसने अगर आपको गलत रत्न बता दिया, तो उसके भी आपको नेगेटिव इफेक्ट्स होना चालू हो जाते हैं। जैसे आपको बिजनेस में लॉस होने लगेगा, एंजाइटी आपकी बढ़ जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे। जैसे नीलम जो होता है, नीलम ऐसा काफी पावरफुल स्टोन होता है, ये रत्न ऐसा होता है जो आपको 7 दिन के अंदर ही इफेक्ट देना चालू कर देता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति पहन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहन सकता है नीलम, हर कोई व्यक्ति नहीं पहन सकता है, क्योंकि नीलम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए सामने वाले में उतना पावर होना चाहिए, उसकी कुंडली उस डायरेक्शन में बनी हुई होनी चाहिए कि उसको नीलम सूट करे और उसको नीलम सूट नहीं करे। क्योंकि कई लोग देखते हैं ना कि अरे अमिताभ बच्चन ने 2-2 नीलम पहना है तो मैं भी पहन लूं, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं है। उससे फिर आपको उसके डिसएडवांटेज भी बहुत भुगतने पड़ते हैं। जी। और ये जो रत्न पहने जाते हैं, क्या ये जैसा आपने बताया कि कुंडली के हिसाब से पहनते हैं, राशि के हिसाब से पहनते हैं, लेकिन क्या व्यक्ति के नेचर के हिसाब से भी पहनते हैं? कई बार ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सेल है तो उसे मोती पहना दें या कुछ और, क्या स्वभाव के अनुरूप भी रत्नों की कोई? स्वभाव के अनुरूप तो खैर ज्योतिष में, कुंडली में जब हम इसका जिक्र करते हैं, स्वभाव भी एक्चुअली पंकज जी हमको हमारे ग्रहों से ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो उसमें इसका स्वभाव का इतना मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन लगन के हिसाब से आपकी कुंडली में जो रत्न होते हैं वो पहनाए जाते हैं। जी, तो रोहित जी, हम रत्नों को डिस्टिंग्विश कैसे करें? मतलब लगन के हिसाब से क्या हम तय कर सकते हैं कि इस लगन की ये जेम है, इस लगन का ये राशि है? जी। देखिए पंकज जी, क्या होता है, जो पर्टिकुलर लगन होते हैं हमारी कुंडली में, जिस लगन में हम पैदा होते हैं, तो मैं आपको कुछ लगन के नाम बताती हूँ और उनके कुछ जो स्टोन्स होते हैं वो बताते हैं। जैसे आपका अगर तुला लग्न है तो आप उसमें हीरा पहन सकते हैं। आपका अगर मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तो आप उसमें पन्ना धारण कर सकते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है, इस कलर का होता है। और जैसे जो सिंह लग्न के लोग होते हैं वो माणिक धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न जिनका होता है उनके लिए मोती हम सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद में जो कुंभ लग्न, मकर लग्न की कुंडलियां होती हैं, तो उनके लिए नीलम होता है। और उसके बाद में जो आपका वृश्चिक लग्न आता है, वृश्चिक लग्न में हम मूंगा सजेस्ट करते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं फिर से आपको बोलूंगी, हम खाली डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने मन से नहीं पहनिएगा रत्नों को, किसी एक्सपर्ट ज्योतिष को दिखा के ही आप लोग रत्नों को धारण करिएगा, क्योंकि एक हमारे ये सामान्य चर्चा है। जैसे आपने कहा कि लगन के हिसाब से होते हैं, और आपने कहा कन्या को पन्ना पहनना चाहिए, तो कन्या को सीधे यदि पन्ना पहन लेंगे तो क्या समस्या है? क्या ज्योतिषी क्या करता है, क्या उसकी कुंडली देखता है कि या उसके बात के हिसाब से? वो मैंने आपको पहले भी बोला है ना पंकज जी, कि आप पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की कुंडली जब हमारे पास में आती है, हम उसको पूरा स्टडी करते हैं, हम उसको पूरा देखते हैं। लगन तो चलिए ठीक है, लेकिन अंदर की भी जो प्लेनेटरी पोजिशन है, वो वहां पर कहाँ कहाँ ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं, उस हिसाब से सारा गुणा भाग करके, सारा कैलकुलेशन करके, फिर हम एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि आपको ये रत्न पहन लेना चाहिए। मैं एक फिर से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये राशि रत्न है, ये मूल रूप से करते क्या है? क्या ये आपकी ऊर्जा को फिनिश करते हैं, रिवाइव करते हैं, या क्या करते हैं ये? पॉजिटिव आपको एटीट्यूड करते हैं, कैसे काम करते हैं ये? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो काम करने का तरीका होता है, ये स्टोन्स होते हैं बेसिकली, हमें चट्टानों से मिलते हैं, ये पत्थरों से मिलते हैं। और इनकी जो चट्टानें होती हैं वो अलग अलग देश में, अलग अलग जो स्टोन्स होते हैं वहां पर पाई जाती हैं, वहां से हम इनको लेके आते हैं। अच्छा, असली रत्न भी आपको मिल जाए तो वो भी बड़े नसीब की बात है, क्योंकि मार्केट में काफी डुप्लीकेट रत्न भी मिल रहे हैं। तो उस बारे में मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा इस बात का आप लोग, डुप्लीकेट माफी चाह रहा हूँ, लेकिन क्या डुप्लीकेट नुकसान पहुंचाते हैं या कम असर करते हैं? डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट है पंकज जी, वो तो असर करेगा ही नहीं।
जी, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको डॉक्टर ने पैरासिटामोल खाने को बोला है, तो ही आपका बुखार जाएगा ना। आप अगर एक नकली दवाई उठा के खा लेंगे तो असर होना ही नहीं आपको है। असर होने के साथ साथ उसके डिसएडवांटेज ज्यादा होने चलेंगे। जी, तो मैं फिर से जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप जो जेम्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो पहनना चाहते हैं, वो कैसे कैसे आखिर आपसे कॉन्टेक्ट करें, कैसे वो गाइडेंस लें आपसे? जी देखिए, अगर आप लोगों को इस बारे में गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए कि आप लोगों के लिए कौन सा रत्न सूट करेगा, तो नीचे मेरा नंबर चलता है इसमें, तो आप उस नंबर पे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपकी कुंडली दिखा सकते हैं और उसके बाद में हम एक निष्कर्ष पे पहुंच के आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन सा रत्न आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। रोहित जी, आपने हमें राशि रत्न के बारे में बताया और ये बताया कि किस तरह से उसे धारण करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम आप जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम को आप फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लाभान्वित हों और वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रगति करें, उत्थान प्राप्त करें। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।